सक्सेस इज नॉट रैंडम। हम कामयाब गलती से नहीं हो सकते और नाकामयाब होना किसे है। सक्सेस पूरे प्लान के साथ अचीव की जाती है। फर्ज करो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए हमें एक मैप चाहिए होगा। उस मैप को हमें पढ़ना आना चाहिए, एक एक दिन लगाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। थकेंगे रुकेंगे, बीच बीच में हम अपनी मंजिल के रास्ते से भटक भटक जाएंगे, मगर देर होने से पहले अगर उस रास्ते पर दोबारा नहीं चले तो गलती से तो वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। एक मंजिल है, एक रास्ता है, उस रास्ते को दिखाने वाला एक मैप चाहिए और उस मंजिल पे पहुंचने के लिए एक पागल चाहिए। तो क्या हैं हम इतने पागल कि दिन हो रात हो धूप हो बरसात हो मगर उस पर चलते रहने के लिए क्या हम खुद को मजबूर कर सकते हैं? नहीं चले तो वैसे ही नहीं पहुंचना, क्या हम बस ये चलते रहने वाला जुआ खेल सकते हैं? खेल सकते हैं, आखिर खोने के लिए है ही क्या, जिसके लिए मंजिल ही उसका इकलौता ठिकाना हो जाए। उसका ना तो कोई घर है और जिसका घर ही ना हो उसके लिए मुश्किलें है ही क्या। हम मुश्किलों में पैदा हुए हैं, जो दिखता है वो वैसा नहीं है। हमें इस बात को अपने सहन में बिठाना होगा कि चलते जाना ही बस सही है, सही है, सही है, क्योंकि अब तो बस तब रुकेंगे जब वो मंजिल हमें अपनी बाहों में थाम लेगी। इसके कहने से, उसके कहने से, अरे हम नहीं रुकने वाले किसी के भी कहने से। माना अभी सफर धीरे धीरे चल रहा है, मगर ये शताब्दी एक दिन रफ्तार भी पकड़ेगी। मरेगी हर मुसीबत जो इसकी पटरी पर रुकावट बनकर आएगी। दिखने लगेगी जब वो मंजिल दूर से, उसकी चोटी धीरे धीरे नीचे से उभर कर आएगी। जीवन लग जाता है ऐसे नजारों को खुद देखने के लिए। असली योद्धा तो तड़प रहा होता है शुरू से ही उस युद्ध को देखने के लिए। क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है जरा सोचो। यहां तक पहुंचने के लिए अभी तक हमने किया ही क्या है, और जब बिना करे इतना सब कुछ दिया है उस ऊपर वाले ने, तो जब करना शुरू कर देंगे तो पता चलेगा अभी तक हमने जिया ही क्या है। जहर पिया था उस नीलकंठ ने हमारे लिए, हमारे लिए ही ये सारी बागडोर वो छोड़ के गया है। ऐसे ही आजाद नहीं घूम रहे तुम, हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, वो उन पेड़ियों को तोड़ के गया है। सक्सेस, कामयाबी, अपनी मंजिल पर पहुंचना, ये कोई खेल नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने का ये मौका मिला है।